हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते पे पब्लिक रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले नॉर्मली अपना बाइक स्टार्ट कीजिए, फिर अगर वो फर्स्ट गियर में नहीं है तो उसको फर्स्ट गियर में पोच कीजिए और फिर धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ाए। और गाड़ी चलाने के टाइम पर आपको बैक व्यू मिरर में देखना है दोनों साइड में, और अगर आप प्रेशर हो तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको गाड़ी लेफ्ट साइड में ही चलाना है, राइट साइड में नहीं। और हमेशा हॉर्न देख के बजाइए, जैसे कोई भी अगर बीच में आ जाता है तो हॉर्न पे ध्यान देके हॉर्न बजाइए। हॉर्न के कुछ अलग अलग वैल्यूज है, जैसे सिंगल किसी को बताने के लिए मैं आ रहा हूँ, डबल हॉर्न ये बताने के लिए कि मैं रुकूँगा नहीं, मैं स्टॉप नहीं लूँगा, और कंटिन्यू हॉर्निंग मतलब मैं स्पीडिंग कर रहा हूँ। तो ये सब अलग अलग पोजीशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक है, तो इसमें अपने दिमाग को एकदम शांत रख के आपको पीछे का ब्रेक लगा देंगे, आपको रास्ता बराबर देखते हैं और लोगों को बराबर से देखते हुए क्रॉस करना है। धीरे 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 आपको कोई स्पीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पीड करोगे या फिर अचानक से प्लस दबा के एक्सलरेशन छोड़ दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इस लेवल से सिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको बेसिक कार का बेसिक बाइक चलाना आता है, अगर आपको बेसिक बाइक चलाना आता है तो ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, अराउंड 30 स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 30-40 के बीच में स्पीड लेके चलाना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मैं ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट गियर पे डाल के धीरे धीरे आप निकल सकते हो आगे विदाउट एनी हेजिटेशन। स्पीड ब्रेकर कोई इश्यूज़ नहीं है जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, इरीटेट हो जाओगे तो फिर आपके लिए इश्यू होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, रिक्शा यहाँ वहाँ आ रही है, बाइक चलाने के टाइम पे चारों तरफ नज़र होना ज़रूरी है। आपके पीछे क्या आ रहा है, आपके आगे क्या है, आपके लेफ्ट साइड क्या है, आपके राइट साइड क्या है, और मिरर पे हमेशा भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो नज़दीक दिखती है, जो दूर दिखती है एक्चुअली वो काफ़ी नज़दीक होती है। और आपको रोड पर भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कई रोड पर कई बार ऐसा होता है कि ऑयल गिरा हुआ होता है या फिर कई बार खड्डे होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें संभाल के चलानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे से रिक्शा आ रही थी और यहाँ से जो सेलर है वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इशूज़ होते हैं ऐसी सिचुएशन में। आपको हमेशा बाइक बहुत स्लो और ध्यान से चलानी है जब तक आपको परफेक्टली नॉलेज नहीं आ जाता। तो धीरे 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 जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक बार आपका नॉर्मली ट्रैफिक में या पब्लिक में अगर हाथ बैठ जाता है तो आप स्पीड अप कर सकते हो, यानी कि आपको बाइक को थोड़ी स्पीड कर सकते हो। जैसे कोई बीच में आता है तो हॉर्न बजाए, जिससे वो साइड में आते हैं। कंटिन्यूस हॉर्निंग एक सही चीज़ है, लेकिन कहीं और बहुत सारे एरिया पे ऐसा है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते, तो वो सारी चीज़ें देख के समझ के आपको चलना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अभी 90 डिग्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो सिग्नल दे दीजिए ताकि पीछे से आने वाले लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आपका गाड़ी स्लो कर दीजिए, फिर धीरे 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 करके 90 डिग्री टर्न ले सकते हो। टर्न लेने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि सामने से कोई कार आ रहा है या बाइक आ रहा है तो उसके बारे में, तो सबसे पहले आप रास्ते को देख लीजिए पूरी तरह से, फिर टर्न ले लीजिए। यहाँ पर कैसा है कि हर एक चीज़ मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर आप सीख रहे हो तो। और अगर आप डबल सवारी पे हो, यानी कि एक और पैसेंजर के साथ हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको संभल के जाना है। अगेन यहाँ पर देखो हम लोग जा रहे हैं ट्रैफिक में, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पोर्ट होल वाला रास्ता आ गया है, क्या करें दोस्तों, मुंबई सही। तो यहाँ पर आपको गाड़ी हमेशा स्लो चलानी है संभल के, और आपको हमेशा पीछे और लेफ्ट साइड और राइट साइड में देना है। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे आगे एंटी से 90 डिग्री टर्न लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे गीक कैसा है कि मैंने बाइक पूरी तरह से स्टॉप नहीं किया, तो धीरे 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 करके आपको टर्न लेना है। ज़्यादा स्पीड बाइक करके टर्न नहीं लेना है, क्योंकि वैसा करने से आप बाइक स्पीड होकर आप गिर सकते हो। स्पीड ब्रेकर अगेन स्लो, देन ईजिली आप निकल जाओगे। आप क्लच, आप एक्सेलरेटर ये पोजिशन पर निकल सकते हो स्पीड ब्रेकर पर। आपको ये
सब चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ है, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे आके ना आप देख सकते हो हाफ क्लच और हाफ एक्सेलरेशन पे मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो आपको क्लच हमेशा दबा के रखना है ताकि आप सेफ्टी रहो इस एरिया में, क्योंकि अगर आपने क्लच छोड़ दिया तो आपका बाइक धक्का खा के बंद भी हो सकता है। जैसे अगर आपको देखना है एग्जांपल, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने क्लच छोड़ दिया, तो अभी ये क्लच सीन में, क्लच के सीन में ऐसा है कि क्लच छोड़ने की वजह से यहाँ पर अभी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मैं एक्सेलरेशन दूँगा तो एक्सेलरेशन धक्का मार के देखता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आप क्लच ब्रेक करके दोगे तो देखो अभी कैसा एकदम बिना धक्के की गाड़ी चल रही है। आपको क्लच और एक्सेलरेशन का बराबर से तालमेल बिठाना है, और स्पीड ब्रेकर और ये सब चीज़ों के बीच में आपको परफेक्टली बाइक को ड्राइव करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं वीडियो भी यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको और भी डाउट्स है तो। बाय।